नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सीजन 4 का आज का पहला सवाल, किस राज्य सरकार ने 600 रुपए में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है? ए पंजाब, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश? वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर में आज 1 नवंबर को बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा का कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में होगा रोड शो। बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा अपने पिता अजीत शर्मा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने भागलपुर पहुंची। दरअसल नेहा शर्मा के पिता अजीत शर्मा भागलपुर नगर से मौजूदा विधायक हैं। इसके साथ ही इस बार वे एक बार फिर से नगर से कांग्रेस प्रत्याशी भी हैं। वहीं नेहा शर्मा ने अपने पिता अजीत शर्मा के समर्थन में 1 नवम्बर यानी आज रोड शो भी करेंगी। इस संबंध में एक होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नेहा शर्मा ने बताया कि भागलपुर में आने के बाद और यहां का विकास देखने पर वह काफी उत्साहित। रीजन है, मुद्दा हम कल रोड शो कर रहे हैं क्योंकि हम सब यहां, मैं स्पेशली अपने पिताजी को सपोर्ट करने आई हूं, क्योंकि जब भी मुझे लगता है आई एम श्योर ही सेल्फ सफिशिएंट, इन्होंने बहुत सारा काम किया है और हमेशा शहर के विकास के लिए काम किया है, अपने लिए सेल्फिशली कुछ भी नहीं किया है। सो आई जस्ट होप कि मेरी तरह भागलपुर की जनता भी ये देख सके एंड सपोर्ट हिम, सपोर्ट समवन हु कैन मेक योर प्लेस अ बेटर प्लेस टू लिव इन। एक सवाल है, यहाँ मैं हमेशा खुश होती हूँ भागलपुर आके, बिकॉज दिस इज माई होम टाउन। यहीं से मैं पली बड़ी हूँ, तो एक अलग सा अटैचमेंट होता है फ्रॉम योर होम ग्राउंड, तो हर बार खुशी होती है। एंड ऑफ कोर्स बिजली और पानी की जो तकलीफें थी, मुझे लगता है वो बहुत हद तक बेटर हो गई है। एंड जैसा कि सब कहते हैं कि चीज़ों में थोड़ा वक्त लगता है, बट आई थिंक सब कुछ इज गोइंग वेरी वेल, इट्स ऑल अपवर्ड्स। बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है एंड बहुत खुश हूँ इम्प्रूवमेंट देख के, और यही उम्मीद है कि इस बार भी बहुत कुछ विकास की तरफ हो भागलपुर में एंड इट विल बिकम अनदर ब्यूटीफुल प्लेस दैट सब लोग एक्साइटेड हो यहाँ आने के लिए बार बार। और कुछ कमी आपको दिखाई दे रही हो जो चाहिए और होना चाहिए? जो चीज़ें, कुछ पॉइंटर्स हैं जो मेरे दिमाग में, आई थिंक सबके दिमाग में वही है। अभी आजकल विद कोविड मेडिकल इज समथिंग जो सबको बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है एंड आई थिंक होना भी चाहिए, तो आई थिंक मेडिकल फैसिलिटीज़ पे काम होना चाहिए और शिक्षा, बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द गर्ल्स बट फॉर एवरीबॉडी। मुझे लगता है कि अगर आपके शहर में एजुकेशन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए तो फिर शहर का विकास तो होना ही होना है। सो आई थिंक मेरे लिए द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आर एजुकेशन एंड ऑफ कोर्स मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर होनी चाहिए, ताकि व्हेन यू आर लिविंग इन अ प्लेस लाइक भागलपुर यू डोंट फील लाइक यू नो देयर इज़न्ट एनफ। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। नवगछिया में गोपाल मंडल और इंजीनियर शैलेंद्र के पक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया चुनावी सभा, कहा अगर आपने दिया मौका तो नवगछिया को बनाऊंगा पूर्ण जिला। साहू पर्वत्ता इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय के मैदान में गोपालपुर विधानसभा प्रत्याशी नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल और बीरपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर कुमार शैलेंद्र के पक्ष में चुनावी सभा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 20 मिनट के संबोधन में, मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों ने जब मौका दिया तो पूरे प्रदेश में लगातार विकास करने का काम किया हूँ,
उन्होंने कहा कि आगे मौका देंगे तो हर गांव में सोलर लाइट लगाएंगे ताकि पूरा गांव रोशन हो सके। किसानों के खेत की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। गांव घर को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। 153 गोपालपुर विधानसभा राजपा प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबोदा ने किया रोड शो। 153 गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबोदा ने गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। वहीं मौके पर उनके साथ सैकड़ों बाइक सवार समर्थक साथ साथ चल रहे थे। आशुतोष कुमार जिंदाबाद, 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 बैठ छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नवगछिया बूथों पर रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। एसपी ने पैरामिलिट्री के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। 3 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन स्तर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान के दौरान बीहपुर एवं गोपालपुर विधानसभा के सभी बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती होगी। 3 नवंबर को भयमुक्त वातावरण में मतदान हो, इसको लेकर एसपी स्वप्नाजी मिश्राम ने पैरामिलिट्री के अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने पदाधिकारी के साथ बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, इसको लेकर समीक्षा की। एसपी ने कहा कि चुनाव के दौरान दोनों विधानसभा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। सभी बूथों पर पैरामिलिट्री के फोर्स की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। नवगछिया चिराग के जन्मदिन पर काटा केक। लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय नवगछिया में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष विवांशु मंडल निषाद ने केक काटा और कार्यकर्ताओं के बीच केक एवं मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। नवगछिया परबत्ता पुलिस द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। परबत्ता पुलिस के द्वारा शनिवार की संध्या एसएसबी फोर्स और जिला बल के द्वारा परबत्ता थाना क्षेत्र के बड़ी अलालपुर, छोटी अलालपुर, राघोपुर, राघोपुर बिंटोली, ननकार, शंकरपुर, महादेवपुर घाट, जाह्नवी चौक पर सघन पैदल गश्ती किया गया। जाह्नवी चौक पर बड़ी संख्या में वाहन चेकिंग भी की गई। फ्लैग मार्च का नेतृत्व परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव और एसएसबी फोर्स मौजूद थे। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67-170। नवगछिया उपेंद्र हत्याकांड में घायल पुत्री रेशमी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज। चाचा फूदल मंडल सहित 7 को किया नामजद। नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के केलाबाड़ी में किसान उपेंद्र मंडल की हत्या के बाद शनिवार की सुबह इस्माइलपुर पुलिस ने नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में सबका पोस्टमार्टम कराकर सबको परिजनों को सौंप दिया। घटना में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुई मृतक की पत्नी समूला देवी एवं उनकी पुत्री रेशमी कुमारी गंभीर रूप से घायल है, जिसका मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। रेशमी कुमारी की स्थिति जहां खतरे से बाहर है, जबकि उसकी मां सुमला देवी की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि घटना के संदर्भ में मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्राथमिकी मृतक उपेंद्र मंडल की पुत्री रेशमी कुमारी के बयान पर दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने अपने चाचा अशोक मंडल उर्फ फूदल मंडल सहित 7 लोगों को नामजद किया है। वहीं थाना अध्यक्ष ने कहा कि घटना की प्राथमिकी दर्ज के बाद पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी। नवगछिया सुरेश भगत का जनसंपर्क जारी, कहा बदलाव के लिए करें लोजपा को वोट।
गोपालपुर विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी सुरेश भगत ने गोपालपुर और इस्माइलपुर प्रखंड में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क अभियान के क्रम में सुरेश भगत ने कहा कि अव्यवस्था और कुव्यवस्था के माहौल को बदलने के लिए लोजपा को वोट करें। श्री भगत ने कहा कि अभी चुनाव का समय है, इसलिए बरगलाने वाले बहुत आएंगे, लेकिन सोच समझ कर नौगछिया को विकास पथ पर आगे बढ़ाने के लिए जात पात से उठकर लोजपा को वोट करें। नवगछिया खाद बीज विक्रेता से 2,10,000 की छिनतई। नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी जीरो माइल के पास से दो बाइक सवार अपराधियों ने खाद बीज विक्रेता से 2,10,000 की छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। घटना के संदर्भ में पीड़ित खाद बीज विक्रेता खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी अभिनंदन कुमार ने बताया कि वह तेतरी जीरो माइल के पास स्थित बजरंगबली मंदिर के पास खाद बीज का दुकान पिछले 10 वर्ष से चला रहा है। इस सूचना के बाद नौगछिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। नौगछिया थाना अध्यक्ष अमर विश्वास ने बताया कि घटना के संदर्भ में सुधीर जायसवाल के द्वारा आवेदन दिया गया है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।